आप सबको ईद मुबारक। एक तो ये बुढ़ापा और ऊपर से गरीबी, अब और जिया नहीं जाता है। बहू और बेटे के जाने के बाद बस मेरा पोता हामिद ही तो है मेरा इस दुनिया में। उसे मैं हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। 3 पैसे ईदी भी दी है उसे, अभी मेले में गया है घूमने, आता ही होगा। दादी मैं आ गया। दादी बेटा हामिद आ गया तू? आज तेरी ने खाने में खिचड़ी बनाई है। और कौन सा खिलौना लाया आज मेले से? दादी मैं अपने लिए कुछ नहीं लाया। क्यों बेटा? क्योंकि रोटी बनाते वक्त आपका जल जाता है ना, तो मुझसे देखा नहीं जाता, इसी के लिए मैं आपके लिए चिमटा लाऊं। चिमटा? तू मेरे लिए चिमटा लाया है? ये क्या है बेटा? दादी चिमटा। इधर आ नाराया, फिर से चिमटा ले आया? समझ में नहीं आता? विवेक बेटा, एक बार इसको चिमटा लाने के लिए शाबाशी क्या दे दी, हर बार मेरे से चिमटा उठा लाता है। अरे घर में बर्तन नहीं है, कपड़े नहीं है, झाड़ू नहीं है, वो तो कभी नहीं लाया। अरे मेरी भोली दादी, झाड़ू से भी कभी कोई कहानी बनती है। अबे ना लाया झाड़ू से, सरकार बन जाती है। और काम से बड़ा धन नहीं होता है।